올라온대고. 이거 리리스겐. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं अंतानानारिवो से अम्पेफी की तरफ, जो यहाँ से कुछ 100-150 किलोमीटर दूर है, पिकनिक स्पॉट है। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी देखें कि मडागास्कर की ग्रीनरी वगैरह कैसी है, ये पहाड़ वगैरह जो यहाँ का एक नेचर है। तो इंशाल्लाह शरीक सफ़र रहें, आगे बात करते हैं। मडागास्कर बेसिकली पहाड़ों पे बना हुआ है, तो जो रास्ते हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे और इस तरह की खाइयाँ वगैरह बहुत आती हैं रास्तों में। तो ड्राइव थोड़ा सा जो है वो सेफली करना पड़ता है, देखभाल के और कमांड होनी चाहिए पूरी। तो देखें आप, व्यूज़ एंजॉय करें, जो रास्ते के व्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये जो है मडागास्कर के ट्रेडिशनल घर हैं, जो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन नज़र आ रहे हैं। इसी तरह के घर जो है वो आपको गांव और देहात वग़ैरह में नज़र आया करेंगे। अच्छा, सीन कुछ इस तरह है कि नदीम भाई की गाड़ी वो ख़राब हो गई है और अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं मैकेनिक का। तो रिजवान भाई और नदीम भाई मैकेनिक ढूंढने गए हैं, यहाँ थोड़ा मुश्किल है मैकेनिक मिलना, लेकिन देखते हैं। जब तक मैकेनिक नहीं आता, सोचा आप लोगों को जो है वो यहाँ की सीनरीज़ दिखा दी जाएँ। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पर। हमने नमाज़ वग़ैरह यहीं पर पढ़ ली है, बस वेट कर रहे हैं मैकेनिक का, वो आए और हम जो है वो यहाँ से फिर रवाना हों। A few moments later. Unfortunately अभी तक जो है वो मैकेनिक नहीं पहुँचा है। ज़ाहिर है यहाँ पे जो है वो इतना आसान नहीं होता इन बीच रस्तों पे मैकेनिक मिलना। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं इंशाल्लाह मैकेनिक मिल जाए। और बच्चे जो है वो यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको यहाँ पर मज़ा आ रही है। चले थोड़ा आगे की तरफ निकलते हैं और आपको व्यूज़ दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरह के व्यूज़ हैं। ओह, ये व्यूज़ चेक करें आप, ऐसे नज़ारे आपने शायद ही कहीं देखे होंगे। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की शान है, देख सकते हैं आप। अच्छा है ना, और अच्छे व्यूज़ हैं ना ऊपर, और अच्छे हैं। अच्छा, मैकेनिक तो आ गया, मगर उसने कहा कि गाड़ी यहाँ रिपेयर नहीं हो सकती, इसको गैरेज में ले जाना पड़ेगा। तो अब जो है वो गाड़ी को टो करके गैरेज की तरफ ले जाया जा रहा है और फिर देखते हैं वहाँ पे, अल्लाह करे जो है वो गाड़ी ठीक हो जाए। हम जो है वो इन्जॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। देखें गैरेज में भी हमने कुछ ना कुछ खेलने के लिए ढूँढ ही लिया है। और
फाइनली हमने गाड़ी जो है वो छोड़ दी है गैरेज में और अब हम जा रहे हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर अम्पेफी। आप कह रहे होंगे आ के ही नहीं दे रहे हैं अम्पेफी, तो बस इंशाल्लाह कुछ लम्हों में हम पहुंच जाएंगे। फाइनली अम्पेफी हम पहुंच चुके हैं और अम्पेफी का लेक जो है वो जैसे ही नज़र आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा अम्पेफी का लेक। हम पहुंच चुके हैं और ये होटल कविता है अम्पेफी में। आपको व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर पूल वगैरह खेलने का है, पीछे स्विमिंग पूल है और ये लेक है बोटिंग वगैरह करने के लिए और अच्छी जगह है अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो पिकनिक वगैरह के लिए। तो हम लोग बेसिकली खाने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही खाना आता है तो खाना वगैरह खा कर बाकी एक्टिविटीज़ जो है उसमें जाएंगे। हम जिन दोस्तों के साथ आए हैं, रिजवान भाई, अली भाई, हसनैन भाई, बेटा कैसा दिया कुछ बोले तो रिजवान भाई कुछ बोल ही नहीं लोग। मैं हम यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं, जो सफ़र 2.5 घंटे का था वो तकरीबन 5 घंटे में हमने सब तय किया है। 6-7 घंटे माशाल्लाह जल्दी निकले थे लेकिन फिर भी लेट है। जल्दी निकले फिर भी लेट है। आप क्या बोल 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे का सफ़र होता ना, 2.5 घंटे का सफ़र हमने 6-7 घंटे में 5 घंटे में किया। कौवा चलना हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। 9:30 बजे निकले और 4 बजे पहुंचे। पाकिस्तानी स्टाइल में 10 बजे ही जाना चाहिए हमको। हमारे भाई की गाड़ी ख़राब हो गई थी, नदीम भाई की, और हम इनके जिनसे आपकी तारुफ मैं थोड़ी बात करवाऊंगा बराबर की। निकले हो 9:30, पानी भी पूरा है साले में, ऑयल भी है, इसका मतलब फैन बंद हो गया और ये गर्म हुआ है। नदीम भाई ये है हमारे नदीम भाई और ये इमरान, इन दो से मुलाकात थी। नदीम भाई कुछ बोले, बोलने के बराबर बचा नहीं। नदी में कैसा सफर रहा है ये बता दे। सफर जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था, धूप खत्म हो गया, 80 किलोमीटर हो गया और उसके बाद अचानक ही दिल पता नहीं कैसा, गाड़ी ने साथ छोड़ दिया और हम बीच में रस्ते में। एक्चुअली हम सब जो है ना एसी बगैर आ रहे थे और ये साहब जो है एसी में अकेले अकेले आ रहे थे, तो सही की झल गई एसी में थे। जहाँ आधा सफर हुआ खुदा ने जला डाला।
नहीं नहीं उसका एसी नॉर्मल ही होता है भैया के सब नहीं थे नॉर्मल तो भी क्यों जल गई हाई लग गई नहीं मैं आपने कांटा मॉनिटर नहीं किया था कांटा मॉनिटर नहीं कर रहे थे आप वो ऊपर वाला देख रहे थे असल में एक बात ये भी ना नदीम भाई ने फ्यूल का कांटा देख क्योंकि नदीम भाई ने पहली दफा इस गाड़ी में प्लान करवाया था ना फुल टंकी किस लिए इसके ऊपर ही देख रहे थे नीचे देख ही नहीं रहे थे फर्स्ट टाइम ये सब चेक कर रहे थे एसी के साथ ले रहे नदीम भाई गाड़ी ले रहे हैं वाली मनम बातों के लिए बन जाए इतनी देर है ये जरूरी है ये यहाँ का गेम है भूल रात हो चुकी है और अब हम बस यहाँ से निकल रहे हैं नमाज वगैरह पढ़ के तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोबारा अंतनानरीवो में तना में जो है तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं और बारिश जैसा मौसम है मौसम ज़बरदस्त हो रहा है तो सोचा व्लॉग कर लिया जाए ऊपर देख सकते हैं मेरे काले बादल इस वक्त ऑफिस में हूँ और कल जो है वो आने के बाद तो हिम्मत नहीं थी कि व्लॉग कंटिन्यू करूँ क्योंकि 11:30 बज चुके थे घर पहुँचते और उसके बाद इतने थक गए थे कि बस घर आए और फौरन सो ही गए थे अब सुबह बस यहाँ ऑफिस से जो है अभी कैमरा उठाया है ऑफिस का काम वगैरह निपटा कर जो थोड़ा बहुत टाइम मिला बस यही है कि ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा बहुत मज़ा आया एंजॉय किया जो लेट वगैरह हो गए थे गाड़ी की वजह से मगर कोई मसला नहीं ये भी एक हिस्सा होता है एडवेंचर का तो एंजॉय किया सब ने एंजॉय किया और इंशाल्लाह जो है आगे के जो कुछ प्लान्स हैं दूसरी जगह विज़िट करेंगे तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी ब्लॉग वगैरह बनाएंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई सजेशन है कोई फीडबैक है इस व्लॉग के हवाले से तो प्लीज़ ज़रूर नीचे लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह